हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। तो अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग जो हूँ वो सुबह के 10:30 बजे कर रही हूँ। और आज मैं सुबह सुबह ही देखिए साग ले आई हूँ सरसों का। और आज ना मैं खाने में साग बनाऊँगी और साथ में होगा कड़ू, छाछ का कड़ू। तो अभी सुबह के 10:30 ही बज रहे थे क्योंकि बाद में फिर किसी और काम में लग पड़ते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता है। तो सुबह सुबह ही मैं साग ले आई थी तोड़ के और धो भी लिया है। और ये देखिए पानी इतना ठंडा है कि हाथ पूरे बिल्कुल ना लाल हो चुके हैं। तो अभी मैं इसको काटने के लिए ऊपर लेंटर में आ चुकी हूँ और मैंने ले ली है दराटी। ये देखिए मैं दराटी के साथ काटूँगी और पूरा धरना देने के लिए यहाँ लेंटर के ऊपर बैठ गई हूँ। तो अभी देखिए मैं साग को काट लेती हूँ और फिर मैं थोड़ी देर बाद फिर से आपके साथ मिलती हूँ। तो ये देखिए ये जो होता है ना, मुझे तो पता है कि सबको साग काटने का तरीका आता है, लेकिन मेरे साग काटने का तरीका क्या है कि लोग जो है वो सीधे हाथ से साग को काटते हैं, लेकिन ना मुझे भी पता नहीं था कि मैं उल्टे हाथ से साग को काटती हूँ। तो देखिए मैं कैसे साग को काटती हूँ। हाथ इतने ठंडे हैं कि ये जो ना उंगली जो है वो भी आपस में इसके साथ टच नहीं हो रही है, हाथ इतने ठंडे हो चुके हैं। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा ही साग की गुच्छी लूँगी, हाय राम, और इसको धीरे धीरे काटूँगी। ये देखिए बड़ी सेफ्टी के साथ, ये देखिए लोग इस हाथ से पकड़ते हैं इस साग की गुच्छी के लिए, लेकिन मैं ना उल्टे हाथ से पकड़ती हूँ। ये मुझे भी पता नहीं था क्योंकि एक बार मेरी जेठानी ने बोला था कि तू उल्टा काम करती है। ऐसे तो मैं दराटी वगैरह और छुरी वगैरह सीधे ही हाथ से करती हूँ, लेकिन साग जो है ना मैं उल्टे हाथ से काटती हूँ। ये देखिए बड़ी सेफ्टी के साथ साग को काटना पड़ता है क्योंकि पता नहीं होता है कि कब हाथ कट जाए। और ये जो हमारी दराटी है ना काफ़ी तेज़, मैंने रसोई के लिए अलग सी ही रखी है, काफ़ी तेज़ है। ठंड इतनी है कि देखिए साग जो है ना काफ़ी मोटा मोटा कट रहा है नज़दीक से, तो ये देख मोटा मोटा कट रहा है ना, मोटा मोटा कट रहा है। तो चलिए जब मैं इस सारे साग को काट लेती हूँ ना फिर मैं आपके साथ बाद में मिलती हूँ। तो ये देखिए सरसों का साग जो है हमारा बन के रेडी हो चुका है और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ मैंने धनिया जीरा ही डाला है इसमें और मिर्ची का तड़का लगाया है, थोड़ा सा इसमें अदरक डाला है, ठीक है। ऊपर से कुछ ज़्यादा नहीं मैंने देसी घी के 1.5 चम्मच डाला है क्योंकि 1.5 चम्मच अगर हम साग के ऊपर डालते हैं तो साग का जो टेस्ट है वो जो होता है वो काफ़ी निखर के आता है। अगर इसके साथ मक्की की रोटी और कड़ू हो तो ये और भी टेस्टी लगता है। ये देखिए तो ये देखिए मेरी बड़ी जेठानी जो है वो बाहर साफ़ सफाई कर रहे थे क्योंकि आजकल ठंड इतनी हो गई है तो ये बाहर खाना बनाने में मुश्किल हो रही है, तो इसलिए इन्होंने ना आगे से साफ़ कर दिया है। और ये सामने वाला जो स्टोर रूम है, बस उसी स्टोर रूम में अब ये ना खाना बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ये साफ़ सफाई की है, चूल्हा भी यहाँ पे बनाएंगे। तो मैं चूल्हे वाली जो वीडियो हो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे बनाएंगे क्योंकि पहले भी यहाँ पे रसोई बनाया करते थे क्योंकि आजकल ठंड इतनी हो गई है कि बीमार होने का भी खतरा हो रहा है। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग आज यहीं पर ही करती हूँ।